Good morning, dear students. Today we'll be doing story writing on strange footprints. आपने रॉबिन्सन क्रूसो स्टोरी समझ ली है, आपको पता है क्या है उसमें फुटप्रिंट्स, तो आपको ऐसी ही एक स्टोरी फ्रेम करनी है. उसके लिए बेटा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्लू क्वेश्चन हैं, हिंट क्वेश्चन हैं. आप इनका आंसर्स लिख के उनको ज्वाइन करके एक पैराग्राफ फॉर्म में एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं. Where did you see the footprints? What sort of a day was it? Did you see them at night? What happened when you followed the footprints? What did you see? What happened then? सब इसमें क्लिक सकते हैं ना. One day it was bright sunny, it was very cloudy that day. I saw some footprints in the garden area. I tried following the footprints. After some time when I kept following them, they suddenly disappeared and I wasn't very sure where the footprints must have vanished. What happened then? I became very afraid. I ran back to my room and I asked my parents to go and check the story about the footprints. ठीक है, ऐसे ही आप अपने आप कोई भी स्टोरी फ्रेम दे सकते हैं बेटा इनकी हेल्प से. आप अगर इनको आंसर करते जाएंगे तो आपकी एक स्टोरी बिल्डअप होती जाएगी. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शंस के बारे में बताया था, उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है. यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनको जॉइन करके सिंगल सेंटेंस बनाना है इन कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स की हेल्प से. आई कैन सिंग वेल, आई कैन डांस एट ऑल. मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ पर मैं डांस बिल्कुल नहीं कर सकता. आई कैन डांस सिंग वेल बट आई कैन डांस एट ऑल. आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना है. आई कैन सिंग वेल बट आई कैन डांस एट ऑल. शी वोर अ रेनकोट, इट वॉज रेनिंग. उसने रेनकोट क्यों पहना होगा, क्योंकि बारिश हो रही होगी. शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू दार्जिलिंग. या तो हम शिमला जा सकते हैं या हम दार्जिलिंग जा सकते हैं. वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग. ठीक है, आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंसेस को मैं कोलैबोरेट करके ज्वाइन करके जॉइनिंग वर्ड की मदद से एक सेंटेंस बना रही हूँ. ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. उसको अपने बर्थडे पे बुक चाहिए, उसको अपने बर्थडे पे फुटबॉल चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ही वॉन्टेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. ठीक है, ही मिस्ड द स्कूल बस, उससे स्कूल की बस मिस हो गई. ही वॉज लेट टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल के लिए लेट हो गया. ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल. ओके, आई रोट द लेटर, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. आई रोट द लेटर, मैंने चिट्ठी तो लिखी पर उसको पोस्ट करना भूल गया. आई रोट द लेटर बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट. ठीक है, आपको ये पूरा ऐसे मैच की तरह लिखना है. आपको ऊपर ये क्लू वर्ड्स भी लिखने हैं और उसके बाद आपको कंप्लीट सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं इसको इसी तरीके से. नेक्स्ट, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून. और बेटा फर्स्ट मैन ऑन मून जो गए थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे. NEILARMSTRONG, नील आर्मस्ट्रांग. ठीक है, नेक्स्ट आपको एक पिरामिड बनाना है, वर्ड पिरामिड. वर्ड पिरामिड यहाँ पे आपको बना हुआ है कि कैसे बनाना है. आपको ये क्लूज फॉलो करके इस पिरामिड को भरते जाना है. सबसे पहला आपको टू लेटर वर्ड लिखना है जो बी से स्टार्ट होता है. तो बी और बी के बाद क्या लिखेंगे, बी ई बी लिख सकते हैं, बी वाई बी लिख, बी वाई बाय लिख सकते हैं. थ्री लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी, सी से शुरू होने वाला तीन लेटर का वर्ड, सी ए टी कैट लिख सकते हैं, सी ओ डब्ल्यू काओ लिख सकते हैं, सी ए एन कैन लिख सकते हैं. अपनी मर्जी से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. सिमिलरली डी से डी यू सी के डक, और क्या आ सकता है, डी ओ एन ई डन. ऐसे आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही वाला लिखना है जो मैं बता रही हूँ. ई से आपको फाइव लेटर वर्ड लिखना है, ईगल लिख सकते हैं, और ऐसे ही आप और भी कुछ लिख सकते हैं. एफ से एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट जो इनिशियल लेटर है स्टार्ट बी से होगा, ये सी से होगा, डी से होगा, ई से होगा, एफ से होगा. उसके बाद आप अपने आप अपने मर्जी से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. ये टू लेटर का होना चाहिए, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स लेटर का. और इसी तरह से ये वर्ड पिरामिड फॉर्म होता जाएगा. आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जी से सेवन लेटर का, एच से एट लेटर का, जहाँ तक आपका मन करे आप प्लीज़ इसको करिए. इससे वोकैबुलरी बिल्डिंग में बहुत इफेक्टिव है ये एक्सरसाइज. ठीक है, थैंक यू.